सो गाइस मैं नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। तो गाइस क्या रोमन रेंज अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं मनी इन द बैंक 2021 में? तो गाइस आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, आपको तो मालूम होगा कि WWE पहले ये अनाउंस करती है कि मनी इन द बैंक 2021 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए इन फ्रंट ऑफ लाइव क्राउड, आप कह सकते हो गाइस की क्राउड के सामने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिलने वाला है रोमन रेंज वर्सेस एज के बीच में। गाइस एज ने भी अपना टोली बना ली है, इधर रोमन रेंज की तो टोली है ही द उसो की और उधर मिस्टीरियो है, तो गाइस इन दोनों की तो टोली बन चुकी है और गाइस मैच तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है। अगर रोमन रेंज से कोई डिस्ट्रैक्ट करता है तो गाइस उधर से तो मिस्टीरियो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन फिर भी गाइस काफी रूमर्स और एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंज जीतेंगे और वो रिटेन कर लेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। यानी कि गाइस आप कह सकते हो कि 18 जुलाई 2021 के इंडियन टाइमिंग से जो मनी इन द बैंक 2021 हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पे गाइस मनी इन द बैंक पे पर व्यू में यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन जाने वाला है, उस मैच को और कोई नहीं बल्कि गाइस रोमन रेंज जीतेंगे और रोमन रेंज पड़ेंगे और किसी पे नहीं बल्कि एज पे। और गाइस मनी इन द बैंक 2021 में रोमन रेंज स्टैंड टॉल रह सकते हैं एज के अगेंस्ट और ऐसा हो सकता है गाइस कि रोमन रेंज के कंधे पे स्टील यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहेगा। तो गाइस रही रिजल्ट की बात, तो अभी से कुछ घंटे के बाद तो हमें पता चल ही जाएगा कि इस मैच का क्या रिजल्ट होता है। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।